Hi कैसे हैं आप लोग आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन माई नेम इज़ कृतिका एंड दिस इज़ ओर टू आई एस अकेडमी सो आज हम अपने वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं लास्ट वीक ऑफ जुलाई यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सो so, आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो वहाँ पर एच पी जी के का पोर्शन पूछा जाता है ताकि हिमाचल के जो बच्चे हैं उनको एश्योर हो सके कि वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करें अब उसमें भी जो करंट अफेयर्स हैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और जिसके लिए हमारे पास एक सोर्स नहीं है तो हम यहाँ पर एक ही जगह पर उसको सारा कलेक्ट करते हैं और आपको मैं यहाँ पर प्री ऑन मीन दोनों ही परस्पेक्टिव से यहाँ पर इसको कवर करवाती हूँ राइट इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वहाँ पे जाके स्टडी मटेरियल नाम का एक सेक्शन है वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है वहीं पर एक आपका फोल्डर बना होगा जिसका नाम है आपका क्या दैट इज़ वीकली करंट अफेयर्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सेंस आने वाले टाइम में आपके एग्जाम भी आ रहे हैं तो जो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो उनको आप चेक कर सकते हैं राइट right? तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ प्रीलिमिनरी फैक्ट्स के बारे में जो डायरेक्टली पूछ लिए जा सकते हैं प्रयास न पॉइंट ओ ये क्या है नए सोलर पार्क खोले जा रहे हैं चिंतपूर्णी में आपकी श्रवण अष्टमी जो फेयर है वो मनाया गया सो so, इस तरीके से कुछ प्री के हम लोग यहाँ पर फैक्ट्स देखेंगे फिर मेंस की बात करेंगे स्पेशली जहाँ पर हम लोग इंडिपेंडेंस के 75 फाइव ईयर्स मना रहे हैं सो so, इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ चीज़ें जो नई हिमाचल में हो रही हैं उनको हम देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज के साथ में पहली न्यूज है 22 दिन का एक स्कूल कैंप रखा गया आई मंडी और आपका हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम शिमला इन दोनों ने कलेबोरेट करके ये स्कूल कैंप यहाँ पर चलाया अब इसका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ प्रयास वन पॉइंट ओ सो इसमें क्या है कि इसमें आपके 22 दिन के इवेंट में रोबोटिक्स और आपका जो ए है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया उसके फंडामेंटल बेसिक्स जो है यहाँ पर बताए गए राइट बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो प्री का फैक्ट क्या बनता है प्रयास 1.0 किससे रिलेट करता है ये एक 22 दिन का स्कूल कैंप है रोबोटिक्स और एआई एआई में हम क्या बात करते हैं कि मशीन्स जो है इस तरीके की मशीन्स बिल्ड की जाएंगी जिनकी अपनी सोचने समझने की शक्ति होगी हम सोविया के बारे में सुनते हैं कहाँ की वो सिटीजन है वो एक्सप्रेशन में बात करती है सो so इस तरीके से दे विल एक्ट दे विल थिंक इस जो है ए आने वाला हमारा फ्यूचर है बेसिकली सो so, इसके बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना जहाँ पर उनका साइंटिफिक टेम्परमेंट जो है वो भी प्रमोट हो उसको भी थोड़ा सा वहां पर पुश मिलेगा और इस एरिया को वो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सके तो डायरेक्टली आपका प्रीफ फैक्ट बन जाता है नेक्स्ट आ गया हमारा दो नए सोलर पार्क जो हैं लाहौल स्पीति में और किन्नौर में खोले गए कैपेसिटी है 880 मेगावाट और 400 मेगावाट ये आपकी एक थोड़ी सी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का पार्ट था इसलिए इसको यहाँ पर किया गया बस ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है नए नए सोलर पार्क्स जो हैं आने वाले दिनों में हम लोग खोल रहे हैं राइट right? नेक्स्ट आता है हमारा ऊना में श्रावण अष्टमी फेयर जो है वो मनाया गया तो अभी क्या है कि आपका ये जो श्रावण अष्टमी फेयर है ये सावन का महीना वैसे ही हिंदुओं के लिए इतना ज़्यादा लाइक ऑस्पिशियस होता है पाठ पूजा करवाई जाती है है ना मंडे के जो है व्रत रखे जाते हैं इस तरीके से सावन का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्पेशली जितने भी आपके श्राइन्स हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं तो वैसे ही चिंतपूर्णी में एक स्पेशल फेयर होता है जिसका नाम है श्रावण अष्टमी अष्टमी के दिन यहाँ पर होता है और इसके लिए कुछ जो है वहाँ पर चीज़ें की गई क्या क्या की गई तो वो लोगों की सेफ्टी के लिए जैसे कि वहाँ पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम यानी कि आपके लाउड स्पीकर हो गए एम्पलीफायर हो गए वो बैन था उनको चलाना सिर्फ जो टेम्पल है एक अपना चलाता है वही चला सकता था कोई भी ऐसे नहीं चलाएगा फायर क्रैकर्स हो गए या जो लंगर हैं वो वहाँ पर अपने जो पर्सनल करते हैं ये सारी चीज़ें बैन की गई थी इनफैक्ट वहाँ पर सेक्शन 144 भी इम्पोज किया गया था जुलाई 29 से अगस्त 6 के बीच में अभी क्या होता है इस टाइम में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं ऐसी ही ऐसे ही रश को या ऐसे ही क्राउड को मैनेज करने के लिए वहाँ पे क्या है आपकी बेटर मैनेजमेंट भी शुरू की गई है तो ये जो है एग्जाम्पल आपका तिरुपति जो है आंध्र प्रदेश में वहाँ से एग्जाम्पल लिया गया कि वहाँ पे देखा कि जो भी सिक्योरिटी वो बहुत ही अच्छे से मैनेज की गई है तो हिमाचल में भी पांच शक्तिपीठ जिनमें से एक आपका ये चिंतपूर्णी भी, भी है यहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी लगाए गए चाहे ये बेसिकली गवर्नेंस में ही आता है मैनेजमेंट में ही इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं चाहे वो थेफ्ट हो चोरियाँ हो रही है, किसी का बच्चा गुम गया है या फिर और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उन सब चीज़ों को बेसिकली मैनेज करने के लिए यहाँ पर ये सर्वेलेंस लगाया गया नेक्स्ट हमारा एक और फैक्ट आता है प्रीका अगेन की जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने सेवन करोड़ रुपीज जो हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर या सैनिटेशन प्रोजेक्ट को यहाँ पर दिए हैं तो यहाँ पर प्री फैक्ट सिर्फ आपका ये है कि द हिमाचल प्रदेश रूरल ड्रिंकिंग वाटर इम्प्रूवमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट ये इसको कौन फंड करता है तो वो क्या करता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक तो इसके बारे में मैं अक्सर बताती हूँ आपको तो इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर की हम लोग बात करते हैं उसका सैनिटेशन हो गया एंड अगेन जो लाइवलीहुड है लोगों का वो किस तरीके से रूरल इंडिया में ठीक किया जा सकता है इम्प्रूव किया जा सकता है उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर काम करता है नेक्स्ट हमारी एक प्री ही प्री की ही न्यूज़ है कला केंद्र ओपन्स तो एक कला केंद्र जो है की गोम्पा मोनेस्ट्री में खोला गया की गोम्पा मोनेस्ट्री कहाँ पर है लाहौल इन स्पीति में है इनफैक्ट स्पीति वैली में ही है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है यहाँ पर एक कला केंद्र यानी कि के हम कह सकते हैं काइंड ऑफ म्यूजियम खोला गया जहाँ पर कल्चरल या रिलीजियस जो आस्पेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा शो ऑफ किया जाएगा म्यूजियम भी है और बीच में इसमें Uh, जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं डांसेस होते हैं सिंस बुद्धिज्म को यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाता है तो बहुत खूबसूरत डांसेज हैं या रिचुअल्स हैं जो भी रहता है मेडिटेशन है उसके लिए स्पेस यहाँ पर बनाया गया तो so, ये जो कला केंद्र है ये ना सिर्फ मोनेस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले दिनों में टूरिज्म को भी ये यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा जो प्रॉपर लोग देखने के लिए आया करेंगे कि यहाँ के कला केंद्र में क्या क्या होता है राइट right? नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है म्यूजियम ऑफ वुड कल्चर टू कम अप इन कुल्लू सून तो सबसे पहले जब भी कोई साउथ से आता है ना तो उसके दिमाग में ये होता है कि जब कुल्लू मनाली इस वाले साइड पर जाते हैं तो सबके घर ना लकड़ी के ही होते हैं विच इज़ नॉट ट्रू बट लाइक इससे हमें पता चलता है कि वुड कल्चर जो वुड की हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है स्पेशली हिल्स में अब इसका रीज़न ये भी था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ठंड ज़्यादा हो जाती है तो वुड जो है वो इंसुलेट करता है बाहर से तो लेकिन इसी के बीच में बहुत सारी कार्विंग्स भी की जाती हैं मैंने बहुत सारे टेम्पल्स भी पढ़ाए हैं जिनमें मैं बात करती हूँ कि वुड का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है तो इसी को हमें बचाना है बेसिकली चाहे वो फ़र्नीचर हैं स्कल्पचर्स हैं हमारे बहुत बड़े बड़े डोर्स हैं उनके ऊपर इस तरीके का एक जो आर्ट है वो किया जाता है इसको याद रखने के लिए या इसको बचाने के लिए एक म्यूज़ियम खोला जाएगा शामशी भुंतर यानी कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर बहुत वुड बेस्ड इन इंडस्ट्री के बारे में पहली चीज़ कि जो आर्ट है उसको प्रिजर्व कर लिया जाए दूसरी चीज़ जनरेशन में आगे पास किया जाए जो भी लोग सीखना चाहते हैं उनको सिखाया जाए कि कौन सी वुड है किस तरीके से ये डिज़ाइंस बनाए जाते हैं अगर वुड खराब हो जाती है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है इस तरीके से जो भी आपकी टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है उसको आगे क्या करना है लोगों में बांटना है इसका हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है शामशी के पास में एक फॉरेस्ट कॉलोनी है यहाँ पे ये यह बहुत बड़ा एरिया था जिसको डंपिंग ग्राउंड्स बना दिया गया था वापस इसको रिवाइव किया गया और इस तरीके से अभी यहाँ पर स्वर्णिम वाटिका वाटिका जो है वो बनी हुई है राइट right? सो so, हम वुड बेस्ड इंडस्ट्री को यहाँ पर फ्लरिश करने की बात करते हैं जब भी मैंने इंडस्ट्रीज भी पढ़ाई थी तो सबसे पहले हम जो मेन फोकस होता है वो कहाँ होता है हमारा फार्मा pharma पे फार्मास्यूटिकल हब जितना भी आपका बीबीएन बेल्ट है उन्ना हो गया ये सारा का सारा फिर हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं सिंस एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ढेर सारा होता है तो जो बहुत इसके बाद में टूरिज्म हो गया ये सब चीज़ों के एकदम एक्स्ट्रा सबसे नीचे जो है हम कहीं ना कहीं इसका पोटेंशियल भी देखते हैं कि वुडन बेस्ड इंडस्ट्री को हम फ्लरिश यहाँ पर कर सकते हैं right? राइट तो आगे अब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर अटल श्रेष्ठ शहर योजना एक है जैसा इसका नाम है श्रेष्ठ शहर को श्रेष्ठ किस तरीके से बनाया जाए ये इसके बेसिस पर यहाँ पर रैंकिंग दी गई जो आपका बेस्ट म्यूनिसिपल काउंसिल है हिमाचल प्रदेश में वो आपका कुल्लू है फर्स्ट पर कुल्लू है दूसरे पर आपका ऊना है और तीसरे पर क्या है बद्दी सो यहाँ पर जो है इनको इसमें कैश प्राइज भी रहता है 2020 में इनफैक्ट अगर हम देखें तो पहला जो है आपका नाहन था दूसरा मनाली और तीसरा कुल्लू अभी 2021 में बेस्ट म्यूनिसपल काउंसिल जो है सिर्फ पहला याद रख लेना है कुल्लू है फिर आती है आपकी नगर पंचायत कैटेगरी इसमें आपके 2020 में पहला जो है वो चौपाल था और अगर हम आ, इस बार की बात करें टू के जो अभी रिजल्ट आए हैं उसमें पहला अर्की को आया है अभी अर्की कहाँ पर है सोलन में ठीक है तो यहाँ पर आया है इसमें क्या रहता है जो आपका म्यूनिसिपल काउंसिल कैटेगरी है उसमें एक करोड़ देन सेवेंटी फाइव जो कुल्लू है बेसिकली उसको एक करोड़ रुपए जो है यहाँ पर एज अवार्ड दिया जाएगा फिर आपका सेकंड आ गया ऊना तो ऊना को क्या मिलेगा ऊना को मिलेगा सेवेंटी फाइव लाख रुपीस एंड द थर्ड वन आपका बद्दी को फिफ्टी लाख रुपीज़ फिर नगर पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो इसका कैश प्राइस भी अगेन अवार्ड जो है इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है तो अर्की में इस बार जो है सेवेंटी फाइव लाख रुपीस एक्स्ट्रा होंगे उनको एक्स अपने जो भी मैनेजमेंट है उसमें करने के लिए तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सी हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने कलेबरेट किया यू बेस्ड लाइसेस्टर मे बी ये आप लोग बता दीजिएगा अगर आपको आता है इस यूनिवर्सिटी के साथ में इन्होंने यहाँ पे क्या किया कलेबरेशन किया यहाँ पे बात करते हैं कि यूके के पास में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि किस तरीके से जेनेटिक रिसोर्स को बचाया जा सकता है प्लांट्स में और एनिमल्स में अब आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि गद्दी हिमालयन ब्रीड की जो गोट्स हैं उसकी ब्रीड को बचाने के लिए एक कौन था एक ब्रीडर था जिसका नाम था नंदू उसको एक अवार्ड दिया गया दैट इज़ ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड तो उसमें क्या था उसमें यही था कि हम लोग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं कि हमारे पास में जो मेन ब्रीड है सिंस धीरे धीरे एवोल्यूशन होता जाएगा सौ तरीके की चीज़ें बदलेंगी इंटर ब्रीडिंग uh, जो है स्पीशीज़ uh, आगे बढ़ेंगी हमें क्या करना है एक बेसिकली उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है अब चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो हिमालयन फ्लोरा एंड फोना दोनों ही बहुत रिच हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए स्ट्रॉन्ग मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वो हमें कौन प्रोवाइड कर सकता है तो ये है आपकी यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी तो हम यही चाहते हैं कि इनके साथ में जो भी आपका क्रोमोजोम इंजीनियरिंग है मोलिकुलर ब्रीडिंग है और जो जैसे भी आपकी जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है इस तरीके से ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ करके हम अपने रिसोर्स जेनेटिक रिसोर्स को यहाँ पर स्टोर कर सकें इनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकें एंड द गुड पार्ट इज हिमाचल जो है अच्छा परफॉर्म करता है इसमें तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी होगी या हॉर्टिकल्चर होगी ये आने वाले दिनों में दे लाइक like, कलेबरेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहते हैं एंड दे कम आउट विद द रिजल्ट्स राइट नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है स्टेट लेवल प्रोग्राम प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के सेवेंटी फाइव साल अब इस न्यूज़ में थोड़ा सा फॉल्ट है फॉल्ट यह है कि इस न्यूज़ में लिखा गया था कि हम हिमाचल प्रदेश के पचहत्तर साल जो हैं फॉर्मेशन के वो यहाँ पर मना रहे हैं पर यह जो स्टेटमेंट है वो न्यूज़ में ही गलत था न्यूज़ में भी गलत था क्योंकि हिमाचल प्रदेश की हम जब जर्नी देखते हैं पहले आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना यूटी बना ऐसे ऐसे करके फाइनली 66 में लास्ट टाइम जो है रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उसके बाद में भी हमने अंदर जो है चेंजेस किए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के तो हमारी हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन को 75 फाइव ईयर्स नहीं हुए हैं बट हम यहाँ पर नेशनल स्पिरिट को बेसिकली सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें हम हिमाचल को भी इंक्लूड कर रहे हैं सिंस वी आर दी पार्ट ऑफ द यूनियन एंड हेंस हम लोग यहाँ पर अपना बात कर रहे हैं इसमें एक एग्जिबिशन भी है जिसका नाम है हिमाचल तब और अब जिसमें थोड़ा सा कंपैरिजन किया जा रहा है कि 75 इयर्स पहले क्या था और अभी क्या है तो हम लोगों ने कितना यहाँ पर इम्प्रूव किया है इस ऑलमोस्ट uh, हर एक फील्ड में right? राइट नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है मिंजर फेयर टू गेट इंटरनेशनल स्टेटस अब ये थोड़ा दुविधा डालने वाला हो सकता है क्यों क्योंकि आपने अगर पहले से आप काफ़ी टाइम्स तैयारी कर रहे हो आप हमेशा उस लिस्ट में कि हिमाचल प्रदेश में कितने इंटरनेशनल uh, फेयर्स मनाए जाते जाते हैं उसमें मिंजर फेयर पढ़ते ही हो है ना तो अभी अचानक से ये जो न्यूज़ है दिस इज़ अ लिटिल बियर्ड बट हम ऐसा कह सकते हैं कि मिंजर फेयर के बारे में हमारे पास पहले कोई डॉक्यूमेंट नहीं था प्रॉपर अभी जो है हमारे पास नोटिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर दी है जिसमें मिंजर फेयर को इंटरनेशनल फेयर का जो है दर्जा यहाँ पर दिया गया इससे पहले हमने सिर्फ इसको पढ़ा था बुक्स में तो इंटरनेशनल फेयर लिखा था लेकिन हमारे पास में इस तरीके कोई डॉक्यूमेंट नहीं था तो अब जो है मिंजर फेयर और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है सिंस न्यूज में था तो इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए सबसे पहली चीज ये सेकेंड संडे ऑफ श्रावण मंथ यही सावन के महीने का दूसरा जो आपका संडे uh, रहता है ये तभी मनाया जाता है शुरू इसको राजा साहिल वर्मन ने किया था चंबा के जो राजा थे साहिल वर्मन उन्होंने शुरू किया और uh, uh, अलग अलग इसके हमें आइडिया सुनने को मिलते हैं जैसे कि सबसे पहला आता है त्रिगार्था के रूलर के साथ में उनका युद्ध हुआ जब वो जीत कर आए तो उन्होंने मिंजर फेयर शुरू किया एक हमें सुनने को मिलता है कि जब मिंजर जो है मेज़ के फ्लार को कहा जाता है जब ये पहली बार फूटता है और प्रॉस्पैरिटी आती है तो हम लोग मिंजर फेयर मनाते हैं एक हम स्टोरी देखते हैं कि एक तरफ जो है आपका पूरा ये साम्राज्य बिछा हुआ था और एक तरफ आपका मंदिर था ये मैंने स्टोरी आपको पहले भी सुनाई थी और माना जाता है कि कि यहाँ पर जो आपके ऋषि थे ऋषि मुनि थे उन्होंने एक धागा जो है डेली उनको जो है यहाँ पे तैर के आना पड़ता था मंदिर में पूजा करने के लिए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया उसमें जो है सात रंग के धागे बांधे गए जिसको मिंजर कहा गया और उनकी इस यज्ञ से उपासना से जो आपकी रिवर है उसने अपना जो कोर्स है वो चेंज कर दिया था तो उसकी वजह से भी कई कई जगह ये भी अकाउंट दिया गया है यहां पर एक और चीज आपकी की जाती है दैट इज एक तो मिंजर फ्लैग जो है उसको फहराया जाता है चौगान में दूसरी बात एक गाना वहां पर गाया जाता है जिसका नाम है कुंझाड़ी या फिर कुंझारी मल्हार तो ये किसके नाम पे है तो माना जाता है ये कुंजा बर्ड्स ये जो आपके ग्रेट इग्रेट्स हैं ये चौगान ग्राउंड में यहाँ पर आते हैं और उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर बेसिकली ये जो गाना है ये उनके लिए यहाँ पर गाया जाता है तो ये हो गया आपका मिंजर फेयर आगे बढ़ते हैं एंटी नार्कोटिक्स फोर्स मूटेड टू टैकल ड्यूरिंग ड्रग ट्रैफिकिंग इन हिमाचल प्रदेश तो सबसे पहले ड्रग अब्यूज एक इंपॉर्टेंट आपका मेंस का पॉइंट रहता है मेंस के सिलेबस में अलग से इसको मेंशन किया जाता है और हिमाचल प्रदेश में अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो ड्रग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है जैसे सिंस पंजाब के साथ में भी बॉर्डर करता है तो जो आपका ये चाहे ट्रांसफ़र कह लीजिए या फिर स्मगलिंग कह लीजिए या फिर यूज़ कह लीजिए तो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है ये हमें यहाँ से भी पता चलता है आगे वाली न्यूज़ भी ऐसी है चिट्टा अब्यूज़ राइजेज इन शिमला सीज्ड इन सिक्सटी टू परसेंट केसेज इन ईयर इसका मतलब क्या है पहले तो हमें वहाँ पर बेसिक चीज़ें बेसिक इन देंस जो आपके चले आ रहे हैं कि हाँ आपकी इलीगल लिकर हो गया या फिर गांजा हो गया ये सारा अभी जो है वहाँ पर ये केमिकल जो है आपका वो भी पहुँचना शुरू हो गया है ओपीएम हेरोइन हीरो कोकेन ये सारी चीज़ों का यूज़ हमें इंक्रीज़ वहाँ पर देखने को मिलता है इसकी वजह से एक नई जो आपकी एंटी नारकोटिक आपकी टास्क फोर्स है उसको बनाने की बात की जा रही है तो यहाँ पर आपका सबसे पहले एक नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया जाएगा और उसके साथ में एक, एक एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स बनाई जाएगी ये अपनी पावर कहाँ से लेगी तो ये आपका नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें लिखी गई हैं वहीं पर आपके जो भी केसेस हैं उनको रजिस्टर किया जाता है तो ये Uh, बात करेगी कि जो भी आपकी ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको किस तरीके से रोकना है और किस तरीके से उसका डिटेक्शन करने को मिलेगा सिंस नेक्स्ट वाली भी ये जो न्यूज़ थी इसमें मेन आपका क्या पॉइंट uh, रहेगा तो मेन क्या रहेगा कि डिटेक्ट करना है सबसे पहले तो डिटेक्शन कि कौन से ये जो आपके बिछे हुए हैं इनके uh, हम कह सकते हैं दे आर बेसिकली देर पीपल आर लाइक ट्रैफिकिंग विद द ड्रग्स एंड एवरी तो ये किस तरीके से यहाँ पर इसका डिटेक्शन करना है फ़र्स्ट थिंग इज़ तो यहाँ पर आपका एच पी ड्रग पॉलिसी भी है एक्शन प्लान भी है जिसमें हम बात करते हैं लोगों में अवेयरनेस लाने की फ़र्स्ट थिंग इज़ अवेयरनेस दूसरी चीज़ेज़ के आ, किस तरीके से इलीगल ली, चीज़ें जो हैं उनको प्रिवेंट करना है बहुत सारी ऐसी तरीके की ड्राइव्स चलती हैं और भी हम लोग क्या क्या करते हैं डेटा बेस यूनिट्स बने हुए हैं हिमाचल के पुलिस सिस्टम की अगर मैं बात करूँ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन जो कि आपको सब कुछ ऑनलाइन देखने को मिलता है सो so, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं एक सबसे पहले कोर टीम तैयार कर रहे हैं एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स की जो कि यहाँ पर इस एरिया में काम करेगी राइट right? और जो मैंने ये आपके चिट्टा अब्यूज़ की बात की तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना कितना मिला क्या हुआ वर्थ हाउ मच मनी ये इंपॉर्टेंट नहीं है हम इसको पढ़ रहे हैं ड्रग अब्यूज़ के लिए दैट मीन्स uh, जो आपका हिमाचल प्रदेश है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर लेने की ज़रूरत है तो इसी तरीके के क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इतना ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ हो रहा है हिमाचल में गवर्नमेंट क्या कर रही है तो जैसे एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स बना रही है बहुत सारे आपके नशा निवारण समितियां खोली गई हैं नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं इस तरीके से बहुत सारी ड्राइव्स चलाई जाती हैं जहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाता है सी कैमराज का ऐसे जो भी आपके सब एरियाज हैं जहाँ पर आ, हमें देखने को मिलती हैं इस तरीके की ज़्यादा एक्टिविटीज जैसे नूरपुर हो गया जो भी आपके पंजाब के साथ में बॉर्डर करता है एरिया उनके ऊपर ज़्यादा सर्विलेंस रखी जाती है सो दीज आर दी स्टेप्स जो कि हिमाचल गवर्नमेंट लेती है आने वाले टाइम में इसी के ऊपर थोड़ा और काम किया जाएगा नेक्स्ट हमारा न्यूज़ आ गया आफ्टर मेज कांगड़ा वेजिटेबल क्रॉप अंडर वाइट फ्लाई अटैक सो so, ये है आपकी वाइट फ्लाई अभी ये क्या करती है कि ये प्लांट को खा जाती है और फिर प्लांट आगे बढ़ता नहीं है ये यूजुअली जब भी हम न्यूज़ में रहता है आपके पढ़ते हैं कहाँ पर पढ़ते हैं ये कॉटन फील्ड्स में ज़्यादा होता है सो so, अक्सर आपने जितने भी पंजाब हो गया राजस्थान जहाँ पे कॉटन ज़्यादा लगता है वहाँ पर ये न्यूज़ में रहता है तो हिमाचल में कम ही होता है बट सिंस अभी हमें लोअर हिल्स कांगड़ा के लोअर हिल्स में वेजिटेबल फार्मिंग अच्छी की जाती है वो आपके अगेन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हम पढ़ते हैं तो अच्छा एक सिंस आपकी बारिश बहुत अच्छी होती है फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पर वेजिटेबल फार्मिंग जो है अच्छे बड़े खासे लाइक एरिया में की जाती है चाहे ओकरा ओकरा यानी भिंडी भिंडी हो गया आपका करेला है घिया और फिर आपका ब्रंजल कम्बल ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं यहाँ पर वाइट फ्लाई का अटैक हुआ और उन सारी की सारी क्रॉप जो है वो यहाँ पर ख़राब हो गई सो आने वाले टाइम में जो भी आपके ये इनके लिए पेस्टिसाइड्स रहेंगे उसको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि इसके बारे में पहले पता होना चीज़ें ज़रूरी है क्वांटिटी कितनी डालनी है इंसेक्टिसाइड की कि वो प्लांट को भी हार्म ना करे और आने वाले टाइम में इस तरीके के जो अटैक्स हैं उनके लिए भी सेंसिटाइज यहाँ पर हम हो जाएँ और रेमिडियल मेजर्स पहले से लेना शुरू फिर आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विदड्रॉज डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर स्कीम फॉर द तो यहाँ पर क्या बात की गई यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि एक ना स्कीम आई कि पेस्टिसाइड्स के ऊपर ढेर सारी सब्सिडी मतलब बड़ी बड़ी चार हजार दो हज़ार की सब्सिडी अच्छी वाली दी जा रही थी लेकिन लोगों ने उसको बिल्कुल भी उसका बेनिफिट नहीं लिया अब उसका रीज़न क्या था उसका रीज़न था पूरा का पूरा प्रोसेस ई उद्यान पोर्टल पे पूरा एक प्रोसीजर था पहले आप लॉग इन करोगे फिर आप अपना प्रोफाइल बनाओगे अपना पैन कार्ड अपना आधार कार्ड ये वो अपनी जमाबंदी सब कुछ जो है आपको वहाँ पर डालना है और लास्ट में जो है जितने भी आपने पेस्टिसाइड ख़रीदा है जैसे कि तो उसके बिलिंग वगैरह जो है सब कुछ वहाँ पर क्या करोगे अपलोड करोगे और फाइनली आपको सब्सिडी मिलेगी डायरेक्ट बैंक ट्र, ट्रांसफ़र के तौर पर अब इतना सारा ये जो पेपर वर्क है ना ये इसमें जो आपके फार्मर्स थे वो ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं थे जो भी आपके एप्पल ग्रोअर्स थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे तो उन्होंने किसी ने भी इसको इन नहीं किया किसी ने भी इसको यूज़ नहीं किया तो फाइनली लास्ट में क्या करना पड़ा इसमें देखा गया कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ uh, हैं और ये एक मेजर रीज़न रहा इसको फेल होने के लिए तो फाइनली इसको डिस्कार्ड किया गवर्नमेंट ने और बेसिक जो पहले से चलती आ रही सब्सिडाइज आपके पेस्टिसाइड्स जैसे पहले खरीदते थे वैसे ही यहाँ पर ख़रीदने शुरू किए राइट right? आगे बढ़ते हैं इलीगल माइनिंग इन हिमाचल तो इलीगल हि माइनिंग हिमाचल में ठीक ठाक होती है और uh, क्योंकि हिमाचल में जो है माइनिंग बिल्कुल भी लाइक like, अलाउड नहीं है अलाउड इन द सेंस जैसे आप नीचे साउथ की तरफ जाते हैं तो थोड़ी बहुत फिर भी ठीक है क्योंकि ये है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि साइंटिफिक माइनिंग ज़्यादा की जाती है यानी कि उससे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो ये देखते हैं कि क्या ये जगह सही है यहाँ से कितना ज़्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए इस तरीके के पैरामीटर्स वहाँ पर देखे जाते हैं अभी डीप डिगिंग इन चक्की रिवर थ्रेटन द रेल ब्रिज अभी ये जो चक्की रिवर है ये कहाँ पर है फर्स्ट थिंग कम्स तो हम लोग बात कर रहे हैं पठानकोट की पठानकोट कहाँ पर है आपका पठानकोट बेसिकली ये जहाँ से चक्की रिवर निकलती है आपकी कांगड़ा ऊना के पास में सो अगर आपको हल्का सा भी आइडिया है तो ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी हो सकती है अगर हम बात करें कांगड़ा ऊना की सो ये इधर जैसे से आप देख सकते हो ये ब्यास रिवर की ही ट्रिब्यूटरी होगी जो बाकी आपकी सतलुज है वो तो नीचे से ही होकर गुजर जाती है तो अगर आपके दिमाग में ये आपका मैप भी रहेगा तो भी यू कैन टेल कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी यहाँ पर है तो अगर मैं माइनिंग की जब मैं बात करती हूँ हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ये एक बड़ा ऑफेंस है और बहुत सारे फाइनस इसके ऊपर लगाए जाते हैं पच्चीस हज़ार से लेके पाँच लाख तक और स्पेशली आपके जो नीचे वाले एरियाज हैं तो ये जो आपका आपके शिवालिक बेल्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं और यहाँ पर इलीगल माइनिंग स्पेशली आपका जो सिरमौर है हमें साइड ऑफ द रिवर बेल्ट बहुत सारी इलीगल माइनिंग देखने को मिलती हैं तो इससे क्या है इसके आपके जो बैंक्स हैं रिवर्स के वो भी अफेक्ट करते हैं और ये जो है कंस्ट्रक्शन और आ, अर्बन एक्सपेंशनिज्म के लिए भी यूज़ किया जाता है यानी कि किसी ने कोई भी लीगल कंस्ट्रक्शन आपकी करनी है तो वो भी अनप्लान uh, तरीके से यहाँ पर की जा सकती है इसकी वजह से एज आई टोल्ड यू इकोलॉजिस्ट जो हैं एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो क्या कहते हैं आने वाले टाइम में इश्यूज हो सकते हैं सिंस ये इम्बैलेंस नेचुरल इम्बैलेंस की तरफ यहाँ पर जाता है इकोलॉजी को और डाइवर्सिटी को यहाँ पर ज़्यादा थ्रेट हमें देखने को मिलता है अगेन इम्पैक्ट्स क्या हैं वही आपका ग्रेटर थ्रेट इंक्रीज ऑफ इरोजन एक्टिविटी फ्लैश फ्लड्स damage to fishery and aquifers then we talk about uh, accidents and damage to the roads dug deep trenches and other things so isse idea kya hai idea ye hai ki himachal aapka ecologically sensitive area hai since himalayas mein aate hain तो यहाँ की stability जो है वो और जगह की तरह नहीं है तो यहाँ पर scientific तरीके से mining की जाती है लेकिन जब इलीगल mining कहीं पे भी शुरू हो जाती है so उसके कुछ impacts रहते हैं जिनमें से आपके फ्लैश फ्लड्स हो गए या फिर एक्सीडेंट्स होते हैं आजकल जो है हम क्या देखते हैं बहुत सारे स्पेशली uh, मानसून में क्या होता है बहुत सारी आपके इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर लैंड स्लाइड्स होते हैं ढेर सारे तो नो no डाउट जब साइंटिफिक माइनिंग के बावजूद भी जब लैंड स्लाइड हो सकते हैं तो इमेजिन के जब इसको ऐसे ही कहीं भी रैंडमली बिना सोचे समझे कर दिया जाएगा तो इकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा है ना गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें करती है हैवी मशीनरी को बैन करके रखा है देन वी टॉक अबाउट ड्रोन्स है सर्विलेंस की जाती है स्पेशल टास्क फोर्स भी इसके लिए बनाई गई है देन वी टॉक अबाउट कि वो जो आपके फाइन्स हैं वो लगाए गए हैं नूरपुर को पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया है इसको पुलिस डिस्ट्रिक्ट दो रीजन के लिए बनाया गया है एक तो आ गया आपका ड्रग अब्यूज़ और दूसरा क्या आ गया दूसरा है आपका यही वाला इलीगल माइनिंग को वहाँ पर चेक करने के लिए एंड देन इम्प्रिजनमेंट uh, दी गई है लेकिन लोग कहाँ मानते हैं लोग तो बोलते हैं कि नहीं चलो एग्ज़ाम uh, के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट आ गया 305 जीरो फाइव प्रोक्योरमेंट सेंटर्स फॉर एप्पल एम आई एस डेट इज़ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम तो क्या होता है एप्पल्स की क्वालिटी रहती है मैंने आपको बताया था कि जैसे इस तरीके से आपका हिमाचल है तो जब हम नॉर्थ टू साउथ जाते हैं तो क्या होता है जो भी आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन डिफरेंट तो डिफरेंट हैं एप्पल ऑलमोस्ट हर एक में होता है लेकिन उसको नंबर ऑफ चिलिंग आवर्स चाहिए होते हैं यानी कि सात डिग्री से कम टेम्परेचर जब उसको चाहिए एक घंटे के लिए तो वो चिलिंग देर आर सर्टेन नंबर ऑफ चिलिंग आवर्स के टेम्परेचर कम रहा वो चाहिए होते हैं और उसी के ऊपर क्वालिटी डिपेंड करती है एप्पल की जैसे रॉयल एप्पल है तो उसको पंद्रह सौ से ज्यादा चिलिंग आवर्स चाहिए सो so, इसी के बेसिस के ऊपर आपका ग्रेड ए बी सी एप्पल्स रहते हैं तो यहाँ पर ये यह जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है ये बात करती है कि जब एप्पल ग्रोअर्स को प्रॉपर रेट ना मिले कोई इशू है जैसे आपका इकोनॉमिक लेवल्स पे कुछ इकोनॉमिकली फॉल वहाँ पर देखने को मिला है या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पर ज़्यादा हो गई है जो भी कुछ भी ऐसे रीजंस आगे अगेन और भी क्राइटेरिया रहता है इसकी वजह से जो आपकी गवर्नमेंट है वो इंटरवीन करती है और उनको जो है प्रोक्योरमेंट प्राइस देती है तो ये आपका जो ग्रेड सी एप्पल है उसके लिए यहाँ पर दिया गया जिसके लिए 169 कलेक्शन सेंटर्स भी ओपन किए जाएंगे तो यानी कि जब अगर आपका एप्पल एक टाइम तक नहीं बिका है तो आपका क्या है गवर्नमेंट उसको प्रोक्योरमेंट प्राइस पर खरीद लेगी दैट इज़ टेन जैसे टेन रुपीज़ फिफ्टी पैसे पर के जी दिस ईयर हैंडलिंग चार्जेस हैं वो भी इसमें दिए जाते हैं थर्टी फाइव रुपीज़ का एक गनी बैग इसमें रहता है के जी का तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको इंटरवेंशन स्कीम के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली ये किस चीज़ की बात करती है चिलिंग आर्स के बारे में एप्पल की क्वालिटी के बारे में ये सिर्फ ग्रेड सी एप्पल्स की हम लोग बात कर रहे हैं जो रॉयल वैरायटी uh, का एप्पल है वो दस रुपए के भाव से नहीं जाएगा है ना तो यहाँ पर जो छोटे फार्मर्स हैं ताकि उनको स्पेशली uh, नीचे वाले शवालिक्स वाले उनको घाटा uh, ना हो उसके लिए ये कलेक्शन सेंटर्स खोले जाएंगे और ये प्रोक्योरमेंट प्राइस उनको दिया जाएगा नेक्स्ट कम्स एट डिस्ट्रिक्स इन हिमाचल प्रदेश सुटेबल फॉर कोल्ड वाटर फिशरीज अब जब हम हिमाचल में फिशरीज की बात करते हैं तो हम दो मेजर फिश पढ़ते हैं एक आगे आपके कार्प्स और एक आगे ट्राउट्स तो जो आपकी ट्राउट है वो आपकी कोल्ड वाटर फिश है कोल्ड uh, वाटर भी नहीं कोल्ड कोल्ड है कंपेरेटिवली कोल्ड लेकिन सेंसिटिव टू द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बहुत ठंडा भी नहीं कि हम लाहौल में खोल लेंगे लेकिन बहुत वार्म भी नहीं कि ऊना में खोल लेंगे है ना सो so, उसी तरीके से यहाँ पर जो है कोल्ड वाटर फिशरीज को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है जिसमें आपका जो भी एक फेयर है तीन दिन का ट्राउट फेयर वो मनाली में ऑर्गेनाइज किया गया हमने थोड़े टाइम पहले आपकी ब्राउन ट्राउट और आपकी रेनबो ट्राउट जो कि थोड़ी सी जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया हिमाचल में तो हम लोग ट्राउट का जो फ़िशरीज को बेसिकली एक्सपैंड यहाँ पर करना चाहते हैं स्पेशली कोल्ड वाटर फिश फिशरीज़ में अभी जो कार्प है वो आपकी वॉम वाटर फिश है सो so ये चीज़ें भी क्या है आपको पता होनी चाहिए तो मंडी कांगड़ा चंबा शिमला किन्नौर लाहौल स्पीति और आपका सिरमौर सो so यहाँ पर देर आर प्लेस देर आर पार्ट्स जहाँ पर इसको और एक्सपैंड किया जा सकता है चाहे वो आपके टू फिर अगेन बहुत सारे फ़ायदे होंगे जो आपके लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा फॉरनर्स आएंगे और जो भी डेलीकेसिस वो इन्जॉय करेंगे बहुत बेसिक बेसिकस एग्जाम्पल देखियो बरोठ का तो बरोट में आपके जब भी जाते हैं ऊपर वहाँ पर एक फ़िश फार्म है तो वो आपके टूरिस्ट प्लेस के लिए भी फेमस है और फिर फिशरीज़ भी देखने के लिए लोग चले जाते हैं अब जब टूरिस्ट जाते हैं तो फिर वो ये भी सोचता है कि चलो ट्राउट है तो हम लोग इसको भी खरीद के ले जाते हैं या फिर एक अट्रैक्शन भी बन जाता है कि अच्छा वहाँ पर फार्म है है ना जो मेजर आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रहेगा वो तो गवर्नमेंट ही करेगी ट्राउट का या फिर जो भी अगेन मार्केट प्रोवाइड करेगी लेकिन वो एक छोटा सा आपका टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाता है आज की हमारी लास्ट न्यूज है छ प्रतिशत आपकी जी एस टी सब्सिडी ऑन एप्पल कार्टन ट्रेस जो एप्पल का ये कार्टन रहता है बॉक्स रहता है उसके ऊपर यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि छः प्रतिशत जी रिबेट दिया जाएगा यानी कि इसका मतलब क्या है एप्पल ग्रोअर्स को थोड़ा सा और यहाँ पर हेल्प मिलेगी और जो है उनको अपने जी बिल में इसकी कॉपी सबमिट करवानी है एंड फाइनली उनको एक एप्लीकेशन भर के इस तरीके से इस अपनी सब्सिडी है एक तरीके की इसको यहाँ पर अवेल कर सकते हैं सो so, थोड़ा सा हेल्प उनको यहाँ पर है दैट इज़ इट फोर टूडे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा डू लेक्शन सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो